हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चटपटी स्टफ इडली की रेसिपी लेके आई हूँ। यकीन मानिए, ये स्टफ इडली इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी है ना कि आपको इसके साथ चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे बगैर चटनी ही एक के बाद एक खाते जाएंगे। आप इसे बच्चों के टिफिन में भी बना कर दे सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम स्टफ इडली बनाने की तैयारी कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, सरिता की रसोई में आपका स्वागत है। हमने यहाँ एक पतीला ले लिया है। इसमें हम एक कप नाप से सूजी ले लेंगे। ये मोटी वाली सूजी है और इसी कप के नाप से हमें आधा कप दही ले लेना है। ये खट्टी दही है और आधा चम्मच हमने नमक डाल दिया है और इन सभी को हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। आप ये स्टफ इडली बनाने के लिए मोटी वाली सूजी का ही इस्तेमाल कीजिएगा, तभी रिजल्ट एकदम परफेक्ट आएगा। और इसमें हमें एक साथ पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसका गाढ़ा बैटर बना लेना है। आप देख सकते हैं मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डाल रही हूँ। एक साथ आप पानी मत डालिएगा, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। अगर इस सूजी में आपकी दही खट्टी नहीं है तो आप एक कप दही डाल दीजिएगा। अगर आपकी दही खट्टी है तो आप भी आधा कप दही डाल दीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने इस सूजी का गाढ़ा बैटर बना लिया है। आप भी ऐसे ही गाढ़ा बैटर बनाइएगा। अब इस सूजी को फूलने के लिए हम 10-12 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। यहाँ हमने गैस पर कढ़ाई चढ़ा दी है। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें हम आधा टीस्पून राई, 2 मिर्च बारीक कटे हुए और बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते डाल देंगे। ये अच्छे से चटक जाए तब इसमें हम 1 बारीक कटे प्याज डाल देंगे। इसे हमें अच्छी तरह से भून लेना है। आप देख सकते हैं वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो नीचे लाइक का बटन प्रेस कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आ रही है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा जरूर। अब इसमें हम आधा टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसे भी हम प्याज के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब इसमें हम 2 उबले आलू डाल देंगे। हमने आलू को उबालकर इसे हाथों से छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया था। अब इसमें हम मसाले डाल देंगे। हमने यहाँ आधा टीस्पून हल्दी डाल दिया है, आधा टीस्पून हमने चाट मसाला डाल दिया है, आधा टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है और आधा टीस्पून हमने गरम मसाला डाल दिया है और आधा टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इन सभी मसालों को हमें आलूओं के साथ अच्छी तरह से मिला लेना है। गैस की आंच हमें पूरी तरह से स्लो करके आलूओं को मसलते हुए इसे हमें अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि हमारे मसाले और आलू अच्छे से भून जाए। अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब इसमें हम आधा टेबलस्पून नमक डाल देंगे और ढेर सारा बारीक कटा हरा धनिया डालकर इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। यकीन मानिए, हमारा जो ये मसाला है बहुत ज़्यादा चटपटा बना है। आप अपने घर बनाएंगे तो ही इसका स्वाद जान पाएंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और मसाले को प्लेट में डाल के ठंडा कर लेंगे। हमने यहाँ इडली का बर्तन ले लिया है। इसमें हमने आधा ग्लास पानी डाल दिया और आधा नींबू का टुकड़ा डाल दिया ताकि हमारा बर्तन काला ना पड़े। हमने यहाँ आलू की स्टफिंग ले ली। इसे हाथों से हम गोल करके हल्का सा चपटा कर देंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। आप भी इसे थोड़ा थोड़ा लेके हाथों से गोल करके चपटा कर लीजिएगा। ये मसाला इतना ज़्यादा चटपटा बना है ना कि इसके खाने के लिए आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हमने यहाँ इडली का साँचा ले लिया है। इसमें हम ब्रश की मदद से सभी जगह अच्छी तरह से ऑयल लगा लेंगे। आप ऑयल की जगह देसी घी भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ ऑयल लगाया है। हमारी सूजी यहाँ अच्छी तरह से फूल गई है। इसमें हम 1 चम्मच इनो डाल के इस पे 2 चम्मच पानी डाल देंगे। आप देख सकते हैं ये कैसे झाग जैसे बन रहे हैं। इसे हमें अच्छी तरह से बैटर में मिला देना है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसे ही हमें गाढ़ा बैटर बना लेना है। अब हम यहाँ इडली का साँचा ले लेंगे और 1 बड़ा चम्मच हमें बैटर हर साँचे में डाल देना है। आप देख सकते हैं 1 चम्मच मैंने हर साँचे में बैटर डाल दिया है। अब हमने जो स्टफिंग बनाई थी एक एक करके स्टफिंग हम बैटर के ऊपर रख देंगे। इसे हमें हल्के हाथों से रखना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। आप देख सकते हैं इसे मैंने हल्के हाथों से बैटर के ऊपर रख दिया है। अब ऊपर से हम फिर से बैटर को डाल के स्टफिंग को अच्छे से
कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैं कैसे कर रही हूँ। आप भी इसे एक चम्मच और ऊपर से बैटर डाल के इसे अच्छी तरह से ढक दीजिएगा और आप अपने घर ये स्टफिंग इडली बनाइएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी स्टफ इडली कैसी बनी थी। आप लोग कमेंट करके बताते हैं तो हमें नई नई रेसिपी बनाने का प्रोत्साहन मिलता है। और आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ये भी बताइएगा ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूँ। हमारा पानी अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम एक एक साँचा अच्छी तरह से इडली के बर्तन में रख देंगे और इसे हमें ढककर 10 से 12 मिनट तक स्टीम कर लेना है। 10 से 12 मिनट में ये अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। 12 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी जो इडली है बहुत ही ज़्यादा फुली फुली बनी है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। अब इसे हम सावधानी से पकड़कर चिमटे से बाहर निकाल लेंगे और इडली को हमें अच्छी तरह से पूरा ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से पूरी ठंडी हो जाए तब इसे हमें सांचे में से निकाल लेना है। हमारी इडली ठंडी हो गई है, देखिए ये ठंडी होने पे बहुत ही आसानी से सांचे में से निकल जाती है। ऐसे ही हम सारे इडली को निकाल लेंगे। आप इडली को गर्म में मत निकालिएगा नहीं तो वो टूट सकती हैं। इसे हमें पूरी तरह से ठंडा करके निकाल लेना है। ठंडा होने पे आसानी से निकल जाती है, आप देख सकते हैं। एक इडली में आपको काट के दिखा रही हूँ, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है और मसाला भी देखने में हमारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये सिर्फ सुंदर ही नहीं बहुत ही ज़्यादा चटपटे बने हैं। आप अपने घर बनाएंगे तो ही इसका स्वाद जान पाएंगे। और ये इतनी ज़्यादा चटपटी बनी है ना कि इसके खाने के लिए आपको चटनी की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे ऐसे ही खा सकते हैं। अगर आपको फिर भी चटनी खाना है तो आप इसे नारियल की चटनी के साथ एंजॉय कीजिएगा। अगर आपको ये स्टफ इडली खानी है तो अपने घर बनानी तो पड़ेगी, तो आप अपने घर ये स्टफ इडली बनाइए, खुद भी खाइए, अपने परिवार को भी खिलाइए। अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।